रंग के आसार हैं तारा सिंह जी। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। असली धमाकेदार कमाई क्या होती है ये साबित कर दिया बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गदर 2 हिंदुस्तान के कोने कोने से बॉक्स ऑफिस पर करती जा रही है धमाकेदार कमाई, और इस फिल्म को देखने के लिए इस वक्त पूरा देश सिनेमाघरों तरफ पहुंच चुका है। यही वजह है दोस्तों कि गदर 2 ने पूरे हिंदुस्तान से जिस तरह की कमाई की है, इस तरह की कमाई की उम्मीद तो बॉलीवुड के बाकी सुपरस्टार सपने में भी नहीं कर सकते। यहां तक कि दोस्तों गदर 2 ने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों से भी कर ली है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे फिल्म ने देशों से और विदेशों से टोटल कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गदर 2 फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार सनी देओल को बॉलीवुड का बब्बर शेर क्यों कहा जाता है, ये एक बार फिर से उन्हें साबित कर दिया गदर 2 के जरिए। क्योंकि दोस्तों गदर 2 के खिलाफ यहां पर पूरा बॉलीवुड था और सब दुआएं कर रहे थे कि सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर पिट जाए, लेकिन देश की जनता का प्यार देओल परिवार के साथ में है और सनी देओल के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिसके चलते गदर 2 ने हिंदुस्तान में जिस तरह की कमाई की है और जिस तरह का कलेक्शन ये फिल्म आगे भी करते जा रही है, उसे देखकर लग रहा है कि यह मूवी बाहुबली, केजीएफ, पठान सभी फिल्मों को पूरी तरह से धूल चटाने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ 60 करोड़ के बजट में बनी गदर 2, जिस फिल्म में बब्बर शेर सनी देओल के साथ में यहां पर हमें अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों फिल्म को सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रिलीज किया था, मतलब कि आजकल हम देखते नहीं कि फिल्में अगर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाती है तो वो फिल्में 3-5 भाषाओं में रिलीज की जाती है, लेकिन गदर 2 सिर्फ एक भाषा में रिलीज हुई। उसके बावजूद भी ये मूवी हिंदी मार्केट से ही नहीं बल्कि साउथ लैंग्वेजेस के जो एरियाज है वहां से भी ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है, और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गदर 2 हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कलेक्शन करने वाली है जिसे तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहुबली 3 या फिर गदर 3 बनानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें गदर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों गदर 2 ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के वीकेंड में, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 135 करोड़ का कर लिया था। दोस्तों फिल्म का जो चौथा दिन था वो था सोमवार, जिस दिन ना तो छुट्टी थी ना तो कोई त्यौहार था, उसके बावजूद भी दोस्तों फिल्म का जो चौथे दिन का कलेक्शन है वो 38 करोड़ 70 लाख रुपए का रहा। पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने 5वें दिन तो सिनेमा घरों में पूरी तरह से भोकाल मचा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन 15 अगस्त जिसकी वजह से इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई, और ऐसा लग रहा था कि भैया देश के प्रधानमंत्री सिनेमा घर में आ चुके और उन्हें देखने के लिए इतनी जनता आई है। लेकिन यहां पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 के लिए इतनी भीड़ थी सिनेमा घरों में, उससे ज्यादा लोग फिल्म को सिनेमा घरों में देख रहे थे, और यही वजह है कि गदर 2 ने अपने 5वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 60 करोड़ का किया। और इसी के साथ दोस्तों गदर 2 का शुरुआती 5 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 233 करोड़ 70 लाख रुपए का हो गया, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 278 करोड़ रुपए। तो आपको क्या लगता है गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कमाई कितने करोड़ की करेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, और डेली गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।